इस वक्त की बड़ी खबर आ रही गुना से, जहां गोलीकांड के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। आरोपियों के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चल दिया है। पुलिस कर्मियों को गोली मारने वालों के मकान को ध्वस्त कर दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। बता दें कि जेसीबी की मदद से आरोपियों के मकान को तोड़ दिया गया है। बता दें कि देर रात जो मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसके बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन आया है, जिसके बाद ये बुलडोजर चलाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए क्या है पूरी, क्या प्रक्रिया, क्या चल रही है अभी इस वक्त? बिल्कुल मैं देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन थाना अंतर्गत तेरोक के जंगल में शुक्रवार शनिवार की रात करीब 3 बजे जो घटनाक्रम पूरा हुआ था, जो शिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां दागी थी और जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसी में एक जो आरोपी अभी तक जो सामने आया था, जिसका सुबह सूत्रों से खबर आ रही थी कि आरोपी नौसाद से का एनकाउंटर पुलिस के द्वारा कर दिया गया है, और अभी इस वक्त की बड़ी खबर है कि आरोपी जो नौसाद है उसके घर पर बिल्डोजर, मामा का बिल्डोजर चल चुका है मई को, बिल्डोजर चलाया जा रहा है, और ये आरोपी जो आरोन राधोगढ़ के बीच खेतों की पहाड़ी उतरने के बाद बिदौरिया गांव का है। ये मुख्यतः खटीक एवं नट मुसलमान रहते हैं यहाँ पर, और दोनों समाज के घरों के बीच लगभग आधा किलोमीटर का फासला भी है। इसी गांव के पटार पर लगभग 50 घरों की नट मुसलमानों की बस्ती है मई, लेकिन इसी बस्ती में शादी कार्यक्रम था जिसमें मेहमानों को दावत देने का अभी तक सामने जो आया है, ये शिकार करने के लिए जो गए थे वो कहीं ना कहीं मेहमानों के दावत के लिए जो है उसके लिए दावत के लिए शिकार करने गए थे। तो मैं वहां पर सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि नटों की बस्ती में जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जबरदस्ती पुलिस फोर्स पहुंच गया है, और वहां पर गांव में लगभग 30 लोगों को पकड़ लिया गया। अभी जैसे कि संदिग्ध लोगों को वहां से उठाया जा रहा है मैं को, 30 लोगों को अभी तक पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, तो जिसमें शादी के मेहमानों में भी शामिल बताए गए हैं। वहां के लोग आसपास खेतों में भाग गए, हथियारों को पकड़ने पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक जो है करीब 30 से 40 संदिग्ध लोगों को वहां पर पकड़ लिया गया है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मामा का जो बिल्डोजर है कहीं ना कहीं अब आरोपियों पर देखा जा रहा है। आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डोजर चलाया जा रहा है, और मामा एक्शन मोड में आ गए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि बाकी के आरोपी जो बचे हुए हैं आखिर उनको पुलिस कब तक पकड़ती है, और उन पर भी क्या इसी तरह की बिल्डोजर की कार्रवाई की जाएगी। जी इमरान, मैं ये जानना चाहूंगा कि विपक्षी पार्टी की तरफ से किसी नेता का कोई बयान सामने आया कि बुलडोजर की जो कार्रवाई इन दिनों जो सुर्खियों में चल रही है, इसको लेकर क्या वो सही मानते हैं इसे? देखिए मैं, ये इस कार्रवाई पर किसी भी विपक्ष के नेता का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि विपक्ष के नेता का बयान आया है, लेकिन मध्य प्रदेश के 3 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए उनको नमन करने का बयान, उनको नमन करने का जो ट्वीट है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आया है, और उन्होंने ये भी मांग की है कि इनके परिवारजनों में से एक किसी पर्सन को शासकीय सेवा में लिया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया। लेकिन इस तरह का बिल्डोजर का विरोध करने का अभी तक किसी का अभी नहीं आया बयान। लेकिन बात यह है कि इस तरह के 3 पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद ये कार्रवाई जहां तक है वहां तक जो बताया जा रहा है सही कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई तो वहां पर पहुंचे थे शिकारी और वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे, तो उनको वहां पर फायरिंग करने की क्या जरूरत थी, फायरिंग करने की क्या, उनको अगर शिकार करने का इतना ही बड़ा वो था तो पुलिसकर्मियों पर गोली क्यों डाली। लेकिन अब आकर के विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता, अभी तक जो कार्रवाई है वो बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हो, और वो ना तो किसी विपक्ष के नेता जी सुनते हैं और उनको करारा जवाब भी मिलेगा, और जो आरोपी है उनको शीघ्र ही पकड़ लिया जाए। आप सुबह से घटनाक्रम देख रहे हैं पूरा, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग के IG को भी वहां से तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हटाया था, उसके बाद जैसे ही एनकाउंटर में नौसाद को मारा गया उसके बाद घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, 30 से 40 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है अभी तक। हालांकि अभी तक जानते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस इस बड़े मामले में पूरे आरोपियों के नाम भी उजागर कर देगी मैं, और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा भी कर देगी। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।